बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग आए हैं TVS के शोरूम में, संगीता TVS में। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो TVS की करेंटली जो गाड़ी अभी अवेलेबल है शोरूम में, उसका क्या प्राइस लिस्ट चल रहा है। अभी मार्च का महीना चला था, मार्च के महीने में क्या कुछ अपडेट आया है इसके प्राइस लिस्ट में, क्या कुछ इंक्रीज हुआ है, क्या कुछ डिक्रीज हुआ है, वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों को दिखाने आता हूँ। तो चलिए गाड़ी को देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं RR 310 की। ये RR 310 का BS6 मॉडल है, जिसको हम लोग मिनी डुगाटी भी बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में, इसका करंट जो प्राइस चल रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका भी करंट जो टोटल प्राइस चल रहा है वो 3,08,000 है। अगर आप डाउन पेमेंट पे लेते हैं तो आपको 30% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा TVS की गाड़ियों पे। तो 30% डाउन पेमेंट के हिसाब से ये 75,000 रुपीज़ हो जाती है, और आपको पर महीने करीब इसमें शायद 2,800 रुपये देने पड़ेंगे करीब अढ़ाई साल तक। सो गाइस, अब बात करते हैं TVS अपाची RTR 162V की। तो इसका हम लोग प्राइस का बात करें तो इसका भी टोटल प्राइस चल रहा है 1,40,000 रुपीज़ ऑन रोड चल रहा है। अगर आप इसे EMI वगैरह पे लेते हैं तो आपको इसका डाउन पेमेंट 30% देना पड़ेगा। तो अगर आप रफली इसका 30% देखेंगे तो 40,000 से 45,000 रुपीज़ होता है आपको पर महीने इसका कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, अप्रॉक्स 2,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। सो गाइस, जब बात करते हैं TVS स्टार स्पोर्ट्स की, तो इसका मार्केट में जो ऑनर प्राइस चल रहा है 72,800 रुपीज़। अगर आप इसे डाउन पेमेंट EMI पे लेना चाहते हैं तो इस पर आपको डाउन परसेंट, इस पर भी आपको 30% का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो 72,000 ऑन रोड के हिसाब से आपको डाउन पेमेंट इसका भी करीब 15,000 से 20,000 रुपये देना पड़ेगा। और आप अगर पर मंथ से कॉस्ट की बात कर लें तो करीब 2,000 रुपये आपको लगेगा पर मंथ इसका और हाई साल तक। सो गाइस, अब बात करते हैं TVS स्टार सिटी प्लस की। तो इसका भी मार्केट में करंट ऑन रोड प्राइस चल रहा है 85,300 रुपीज़। तो अगर आप इसे EMI पे लेना चाहते हैं तो आपको इसका डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 30% का। TVS की मैक्सिमम सब गाड़ी में आपको 30% का ही डाउन पेमेंट लगता है। तो 30% के हिसाब से अगर 85,000 इसका ऑन रोड प्राइस है तो आपको स्टार्टिंग में प्राइस पे करना पड़ेगा वो है करीब 15,000 से 20,000 रुपये। 25,000 भी देना पड़ सकता है, वो तो शोरूम वाले पर डिपेंड करता है। और आपको पर मंथ कॉस्ट आएगा करीब 1,700 से 1,800 रुपये अढ़ाई साल तक। सो गाइस, जब बात करते हैं TVS जुपिटर जो पुराने वाले आती थी 110cc में, उसका ऑन रोड प्राइस हम लोग मार्केट में देख रहे थे अभी क्या चल रहा है। सो गाइस, इसका भी प्राइस चल रहा है 94,900 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है इसका मार्केट में भी चल रहा है। अगर आप इसे EMI पे लेना चाहते हैं तो आपको डाउन पेमेंट 30% देना पड़ेगा एज यूजुअल जो TVS गाड़ी पे देना पड़ता है। तो 30% डाउन पेमेंट के हिसाब से अगर आप 94,000 का कॉस्ट है तो आपको करीब देना पड़ेगा इसमें 15,000 से 20,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, और वही करीब 2,000 रुपये कॉस्टिंग आएगी आपको अढ़ाई साल के लिए। सो गाइस, जब बात करते हैं TVS की पेप्ट की जो लीड स्कूटी है जो काफ़ी टाइम से चलते आ रही है, तो इसका भी करेंटली मार्केट ऑनर प्राइस चल रहा है 84,300 रुपीज़। अभी करेंटली बढ़ गया है, ये पिछले मंथ में 2,000 रुपये कम थे, इस महीने 2,000 रुपये बढ़ गए हैं। तो अगर इसे आप EMI पे लेना चाहते हैं तो इसका भी जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से 30% इस पर भी आपको देना पड़ेगा, और 30% के हिसाब से इसमें करीब आपको 25,000 रुपीज़ करेंटली पे करना पड़ेगा, और आपको वही 2,000 से 2,200 का आपको पर मंथ कॉस्टिंग आएगा अढ़ाई साल तक के लिए। सो गाइस, अब बात करते हैं वन ऑफ माई फेवरेट टू व्हीलर की जो है XL हैवी ड्यूटी 100cc में। ये 100cc है और इसके पीछे वाला 80 वाला है। तो इसका भी करंटली मार्केट में प्राइस चला है 72,000 रुपीज़। अगर इस पर भी आपको EMI पे लेना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट आपको 30% का ही देना पड़ेगा। TVS की मैक्सिमम जो टू व्हीलर्स आती है उस पर आपको 30% का ही डाउन पेमेंट देना पड़ता है। सो गाइस, अब बात करते हैं TVS की जुपिटर 125 जो अभी नई लॉन्च हुई है, रिसेंटली लॉन्च हुई है, ज़्यादा पुरानी हुआ, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इस गाड़ी को। तो इसका भी मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है 1,02,000 रुपये, मतलब 1,02,000 रुपीज़ चल रहा है इसका अभी करंटली मार्केट में ऑन रोड प्राइस चल रही है इसकी। ये है ड्रम सिस्टम है। अगर आप इसमें डिस्क में जाते हैं तो आपको इसका 4,000-5,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इस पर भी अगर EMI पे लेना चाहते हैं तो इस पर आपको 30% का डाउन पेमेंट देना ही पड़ेगा, और इसका जो जैसे प्राइस है 1,02,000 उसके हिसाब से आपको करीब 40,000 इसमें करंटली देना पड़ेगा, और इसमें 2,500 का आपको अढ़ाई साल तक मंथली जो पेमेंट होता है वो पेमेंट करना पड़ेगा। सो गाइस, जब बात करते हैं TVS की रेडॉन, ये BS6 मॉडल है, इसका अभी करंट मार्केट में वैल्यू चल रहा है ऑन प्राइस 82,049 रुपीज़। इस पर भी अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो आपको 30% का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो 30% के डाउन पेमेंट के हिसाब से इसमें करीब आपको 40,000 रुपीज़ ऑन शोरूम आपको पे करना पड़ेगा, और पर मंथ अढ़ाई साल के लिए आपको करीब 1,700 से 1,800 रुपये कॉस्टिंग आएगी इस बाइक की। सो गाइस, अब बात करते हैं TVS की एंटॉर्क 125। तो इसका भी करंट मार्केट में वैल्यू चल रहा है 1,17,000 रुपये, 1,17,000 रुपीज़ अभी करंट इसका वैल्यू चल रहा है। आप इसमें दो तीन एडिशंस आते हैं, एडिशंस आप अगर लीजिएगा तो आपको 2,000-4,000 का डिफरेंस पड़ सकता है, बट अभी अगर नॉर्मली इसका देखें तो 1,17,000 पड़ता है। इस पर वही सेम डाउन पेमेंट है 30% का। 30% के हिसाब से अगर आप लेते हैं इसका अढ़ाई साल के लिए तो आपको करीब पे करना पड़ेगा करीब 55 के बीच में पे करना पड़ेगा,
और आपको हर महीने पड़ेगा करीब 2500 रुपये देना पड़ेगा 2.5 साल तक। सो गाइज अभी एक गाड़ी शोरूम में अवेलेबल नहीं है जो है TVS की अपाची 164V अभी यहाँ पे सेल हो गया, अभी अवेलेबल नहीं है, बट उसका मैं प्राइसिंग आप लोगों को बता देता हूँ। उसका भी करंट ऑन रोड प्राइस चल रहा है मार्केट में करीब 1,45,000-40,000 रुपये चल रहा है, यही अप्रॉक्स है, 1-2 हज़ार आपके शोरूम के हिसाब से वेरी कर सकता है। ये आपका बेस बता रहा हूँ, इसमें एक आता है जिसमें आपको जो अलॉयज वो पेंटेड मिलेंगे तो उसका प्राइस है 1,54,000 ऑन रोड पड़ता है। इस पर भी वही सेम क्राइटेरिया जो TVS का चलते आता है 30% डाउन पेमेंट के हिसाब से, तो इसमें भी 30% डाउन पेमेंट ही आपको पेंट करना पड़ेगा। सो गाइज ये आपने कुछ TVS की गाड़ियों का प्राइस लिस्ट देखा, ये है मार्च महीने का 2022 का। आप नेक्स्ट मंथ में देखेंगे तो शायद कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे फरवरी महीने में करीब 1,000 से 2,000 रुपये कम थे जो मार्च में बढ़ चुके हैं, तो क्या पता आप नेक्स्ट मंथ में देखिएगा तो उसमें और भी बढ़ सकते हैं, तो आपके शोरूम के हिसाब से कुछ वेरीज कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा नहीं होगा, 500 से 1,000 से 2,000 रुपये वो ज़्यादा नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू जो टू व्हीलर्स की है वो यही है।